दोस्तों दुर्गा अष्टमी और अभी चल रहा है दुर्गा पूजा मेला। तो हम प्लान बना रहे हैं पूरी फैमिली के साथ दुर्गा पूजा मेला घूमने का, तो बस सभी के साथ चलते हैं। और आशा करते हैं आप भी अपनी फैमिली के साथ ये टाइम को एंजॉय कर रहे होंगे। माता रानी की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, माता रानी के दर्शन के लिए पूरी फैमिली के साथ जा रहे होंगे। आप सब देख सकते हैं दोस्तों, हम निकल चुके हैं फैमिली के साथ, दीदी जिया जी आदि और बाबू को लेके हम निकल चुके हैं दुर्गा पंडाल घूमने के लिए। और रात को बज चुका है 9 और हम फैमिली के साथ निकल चुके हैं। और आप देख सकते हैं कितना अंधेरा भी हो चुका है, काफ़ी रात के बज चुके हैं 9 और गलियों में लाइट कम है। उसके बाद ये रहे मिस्टर थर, और हम पहुंच चुके हैं पहले दुर्गा पंडाल में दोस्तों। और ये है जनकपुरी डी ब्लॉक में, आपको मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि ये है जनकपुरी डी ब्लॉक में और ये है बंगाली पंडाल, क्योंकि यहाँ पे बंगाली लोगों ने रखा हुआ है। और ये कुछ इस तरीके से है, ये हमने किया पहले दुर्गा पंडाल में एंट्री। और साथ में अब दर्शन सी फीलिंग आ रही थी यहाँ पे, काफ़ी पॉजिटिव वाइब थी। माता रानी के दर्शन करके माता रानी का आशीर्वाद लिया। इसके बाद यहाँ चल रहा था डांस प्रोग्राम और ये है हमारे भारतीय नृत्य कला, आप सब देख सकते हैं। उसके बाद हम चले गए दोस्तों दूसरे पंडाल में और यहाँ पहुँचे, यहाँ पर भी सजावट काफ़ी अच्छे तरीके से डेकोरेट किया गया था। तो हम पहुँच चुके थे दूसरे पंडाल लिया गया था दोस्तों। और यहाँ के आसपास बताना चाहूँगा काफ़ी ज़्यादा, और फिर से दूसरे पंडाल में आके माता रानी के दर्शन किया और वहाँ पर फिर से यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे डांस कर रहे थे, तो डांस को एंजॉय करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों ये है हमारे इंडिया का टैलेंट, आप देख सकते हैं कितने अच्छे बच्चे डांस कर रहे हैं, इसको एंजॉय कीजिए। इतना अच्छा डांस हो रहा था कि हर भी आप देख सकते हैं कि डांस को एंजॉय करने लगा था और डांस आप अपने आप ही डांस कर रहे थे, इतना एंजॉय कर रहा था। इतनी अच्छी म्यूजिक चल रही थी, इतने अच्छे डांस कर रहे थे कि उसको देखने के बाद मिस्टर अक्षर भी उसी के मान झूमने लगा। उसके बाद दोस्तों हम पहुँच चुके थे B1 जनकपुरी बी ब्लॉक में, दशहरा ग्राउंड में मेला लगा हुआ है क्योंकि अभी चल रहा है पूजा का टाइम। तो काफ़ी सारे झूले, भूतिया हाउस और काफ़ी ज़्यादा क्राउड आई हुई थी यहाँ पर। और ये देखिए सबसे पहले भूत बच्चों के लिए एकदम बहुत ही प्यारा सा, सबसे ज़्यादा बच्चे एक्साइटेड थे और काफ़ी ज़्यादा झूले वगैरह आए थे मेला के अंदर, आप सब देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है, वीडियो से ज़्यादा रियलिटी में देखने में अच्छा लग रहा था। पुराने दिन, बचपन के दिन इसको देखने के बाद ताज़ा हो गया दोस्तों। तो मैं और पूरी फैमिली के साथ पहुंच चुके हैं और साथ में आदि, और ये टाइम दोबारा नहीं मिलने वाला है, आदि यही बता रहा भी है। इस चीज़ को एंजॉय करते हैं और चलते हैं झूले पे, लेकिन अभी मेरा चल रहा है फास्ट तो अभी मैं जा नहीं सकता हूँ, तो इसीलिए बोला कि बाकी लोग जाएंगे। अगर दोस्तों इस वाले झूले पे बचपन में आप बैठे हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपको वो टाइम याद है। और इस झूले पे बैठ चुकी थी अनन्या और अनन्या ने बाबू को गोद में लेके बैठा हुआ था। और एक और चीज़ होती है, जो सामने झूला चल रहा है राउंड राउंड सा, आप देख सकते हो क्या आप इस पर कभी बैठे हैं, क्या आप इस कभी इंजॉय किए, क्योंकि ये पूरा इसमें बैठने के बाद पूरा सर ऊपर नीचे घूमता है। और ये रहा नाव वाला झूला, तो अगर आप झूले में बैठे हो तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। और ये रहे हमारे मिस्टर थर, और ये बच्चों के ट्रैवलिंग है जिसमें बच्चे कूद कूद के खेलते हैं। क्या आपने कभी इसमें ऐसा किया अपने बचपन में, अगर किया है तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। हम भी मैंने एक यूनिक चीज़ देखा, ये जहाज़ वाला, ये हेलीकॉप्टर वाला झूला है, काफ़ी यूनिक, काफ़ी प्यारा लग रहा है। इसमें छोटे छोटे बच्चे 4-5 साल के बच्चे बैठे हुए हैं, आप सब देख सकते हैं इस चीज़ को इंजॉय कर रहे हैं। बचपन में हमने किया है, बचपन को मिस कर रहे हैं तो जरूर बताएं। ओ देखिए ये आ गया अमेरिकन भुट्टा,
इंडिया में अमेरिकन भुट्टा मिल रहा है दोस्तों, देसी भुट्टे क्या खत्म हो गए कि अमेरिकन भुट्टे बिकने लगे हैं अब अपने यहाँ? बताइए अब अमेरिकन भुट्टे। और ये तो हर जगह आपने जरूर शूट किया होगा गुब्बारे। और ये देखिए बहुत ही यूनिक चीज़ दोस्तों, इस चीज़ आलू भाई बना रहे हैं, फ्राई करके मज़े लीजिए दोस्तों। ये रोल टाइप है, आपने खाया हो तो ज़रूर बताना। और सब लोग यहाँ पे खाने के लिए आ गए थे, यहाँ पे चल रहा था बनारस की फेमस लस्सी और आदि यहाँ मज़े ले रहा था मेरे से, क्योंकि मेरा था फास्ट, मैं तो खाने वाला नहीं था। और बिहार का फेमस लिट्टी चोखा भी आया हुआ है दोस्तों, सभी खाने लगे थे और अब हो गया था टाइम भर जाने का। और मेले में से आया था अथर्व सिंह के लिए ये डुगरी, आप लोग ये भोजपुरी में बता रहा हूँ कि डुगरी बोलते हैं बच्चों खिलाने के लिए। तो अथर्व सिंह इसको लेके एंजॉय कर रहे थे, मजे ले रहे थे। और दोस्तों हम दोस्तों मैं पहुंच चुका था दोस्तों, आज नवरात्रि के टाइम हो चुका है, और प्रेम से बोले मिलते हैं और आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। प्रेम से बोले जय माता दी, जय भारत।